हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो पार्ट टू की वीडियो में आपका स्वागत है। फंक्शंस ऑन लैंग्वेजेस। सो लैंग्वेजेस आर सेट्स। हमें पता ही है कि जो लैंग्वेजेस होती हैं वो एक तरीके से सेट्स ही होते हैं, किनकी? स्ट्रिंग्स की, ऑफ कोर्स। सो देयर फॉर ऑल सेट ऑपरेशंस लाइक यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, या फिर डिफरेंस हो गया, या फिर कॉम्प्लीमेंट हो गया, कैन बी अप्लाइड ऑन इट। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई लैंग्वेज है, अल्फाबेट सेट आपने ले लिया, सिग्मा इक्वल्स टू ए, ठीक है, ये एक अल्फाबेट हो गया। इसके ऊपर डिफाइंड लैंग्वेज है कि L1 एक लैंग्वेज है जो कि इवन नंबर है, ठीक है, पावर ऑफ एज, जो कि ए की कोई भी स्ट्रिंग है इसके अंदर, उसकी कार्डिनेटी अगर हम देखने गए, लेंथ देखने गए, तो वो है इवन नंबर। और वहीं L2 दूसरी लैंग्वेज है, अगर इसको उसकी लेंथ देखने गए तो वो है ऑड, ठीक है। सो ये हमारे पास में दो लैंग्वेजेस हैं। अब इनके ऊपर हम ऑपरेशंस देखेंगे। तो L1 लैंग्वेज ये हो गई और L2 ये हो गई। L1 यूनियन L2 कुछ नहीं है। L1, अगर मान लो कि आपके पास में ये है सिग्मा A2 A4, ये है, और L1 है, L2 है A1 A3, तो L1 यूनियन L2 हो जाएगा आपका सिग्मा A1 A2 A3 A4। दैट्स इट, बस इतना ही सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जो हमने 11th 12th क्लास में पढ़ा था वही है, ठीक है। वही बात करें इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन का आपको पता ही है कि अगर कोई भी दो लैंग्वेज है, उन दोनों में से में कॉमन क्या है, उनका कॉमन क्या है। मैं जगह बना लेता हूँ, एक बार एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपके पास में ये एक लैंग्वेज है L1 और वहीं दूसरी लैंग्वेज है L2, तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, जो कॉमन स्ट्रिंग्स है, उसको हम कहते हैं L1 इंटरसेक्शन L2। एक्सक्यूज मी, वही L1 माइनस L2। मान लीजिए कि आपके पास में कोई कोई भी सेट है, हम मान लेते हैं ए ए ए, मतलब एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूं मैं ए बी, और L2 के अंदर मेरे पास में है ए। L1 माइनस L2 हो जाएगा आपका, ये जो भी एलिमेंट इन दोनों में से कॉमन है, ये वाला कॉमन है, वो डिलीट हो जाएगा और बाकी रिमेन ऐसे का ऐसे ही रहेगा। दैट्स इट। L1 के अंदर बाकी सब ऐसे का ऐसे रहेगा, जो भी एलिमेंट L2 के अंदर है, जो भी कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा L1 के अंदर से, और बाकी L1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। सो डिफरेंस आपको पता ही है। वही जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है वो कुछ नहीं है गाइस। मान लीजिए कि आपका कॉम्प्लीमेंट है कि आपके पास में L1 है और उसका अगर कॉम्प्लीमेंट देखना है आपको, तो कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, आप उसके एलिमेंट छोड़कर जितने बाकी यूनिवर्सल सेट में से ये वाले एलिमेंट घटा दीजिए आप, और बाकी जितने भी एलिमेंट बचे, ठीक है, जितनी भी स्ट्रिंग L1 के अंदर है वो छोड़कर जितने भी हैं, अगर मैं इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेके चलूँ, L1 को लेके चलूँ, तो बाकी इवन नंबर्स को छोड़कर, इवन नंबर ऑफ एज को छोड़कर जितने भी हैं, जितने भी एज हैं, वो आफ्टर कॉम्प्लीमेंट L1 के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि L1 माइनस L2, हमें पता है कि L1 माइनस L2 क्या होता है, L1 होता है। वही अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो क्या होगा, L2 हो जाएगा। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है गाइस। अब अपन अगला देखते हैं, कंकैटिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस। अगर दो लैंग्वेज का कंकैटिनेट करना है हमें, तो क्या करेंगे, जैसे L1 ये एक लैंग्वेज है A A A B, वही सेकेंड लैंग्वेज है XXYY, तो ये स्ट्रिंग से मिलकर, मतलब ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओनली, एंड L2 दिस इज ऑल्सो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। सो L1 L2 को जब हम कंकैटिनेट करेंगे, तो पहले वाला इसके पहले वाले के साथ में, फिर वो इसके सेकंड वाले के साथ में कंकैटिनेट होगा, तो इस तरीके से बनाएगा AAXX AAYY, फिर इसका सेकंड वाला इन दोनों के साथ में, सो ABXX ABYY, एज सिंपल इट इज। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर है हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अगर हम L1 के अंदर एक एम्प्टी सेट है, L1 एक एम्प्टी सेट है, तो वो फाई से डिनोट होगा, ठीक है, ये याद रखना।
ये फाइव से डिनोट होगा। वहीं एल टू अगर ये है, एक्स एक्स और वाई वाई है, ऑफ कोर्स अगर हम किसी भी एम्प्टी सेट के साथ में कंकेटिनेट करेंगे किसी भी दूसरे स्ट्रिंग को, तो क्या आएगा? एम्प्टी ही तो आएगा, कुछ नहीं आएगा। अगर मैं इसको कंकेटिनेट करूँ एक्स एक्स के साथ में, तो ये भी एम्प्टी हो जाएगा, दैट्स इट। वहीं इसको मैं कंकेटिनेट करूँ वाई वाई के साथ में, तो ये भी कुछ नहीं को, मतलब यूं मान लो कि कुछ नहीं को आप जीरो मान लो, तो जीरो क्या होता है? जीरो ही होता है। वहीं जीरो कोमा वाई वाई कुछ भी, जीरो। अपन एज एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, एनालॉजी लेके बता रहा हूँ। तो वो ऐसा क्यों होता है? आप इस एनालॉजी से याद रख सकते हो कि जीरो को किसी के भी साथ में मल्टीप्लाई करें तो जीरो आता है, तो लास्ट में जीरो ही बचेगा। बस इस एनालॉजी के साथ में आप याद रखने के लिए, बस याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो। किसी को लॉजिक मत देने लग जाना कि ऐसा होता है, ऐसा असल में है नहीं, बस एनालॉजी के लिए। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो कि एल अगर किसी फाई के साथ में जुड़ा है, कंकेटिनेट हो रहा है, तो वो इक्वल टू है फाई एल का। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रिजल्ट क्या देंगे? फाई देंगे, नल ही देंगे। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, एल वन अगर इसके अंदर फाई है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर बाद में एल टू अगर इसके अंदर एक्स एक्स और वाई वाई है, ठीक है, तो फाई किसी के भी साथ में, अब ये फाई एक स्पेस मान सकते हो आप, फाई एक स्पेस है, और स्पेस अगर किसी के भी साथ में मल्टीप्लाई होता है, क्या आएगा? ऑफ कोर्स वो खुद एलिमेंट आएगा। तो फाई को आप क्यों मान लो, मतलब मानने के लिए इसको मान लो वन। वन को किसी के भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वो सेम आएगा। वही फाई को, सॉरी मैं फाई यहाँ पर गलत बोल रहा हूँ, फाई नहीं है, एप्सिलोन है ये। सो एप्सिलोन अगर वाई वाई के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? ऑब्वियसली वाई वाई, क्योंकि एप्सिलोन को मानने के लिए हमने मान लिया कि वन है। वैसे तो एप्सिलोन होता है स्पेस, ठीक है, कि कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो कोई स्ट्रिंग नहीं है मतलब स्पेस होगा, ठीक है, आपने कोई स्ट्रिंग नहीं पास की तो स्पेस मान लिया, ठीक है। इन जनरल फॉर ऑल एल, तो क्या हो जाएगा? एल वन अगर एल वन के अंदर एप्सिलॉन है और एल टू के अंदर ये है, तो एल वन कंकेटिनेट विथ एल टू गिव्स अस एल टू ओनली। वहीं ऊपर वाले के अंदर हमने देखा कि एल वन कंकेटिनेट एल टू क्या दे रहा था अपने को? एम टी। तो दिस इज नथिंग जस्ट एन एल वन, ओके। फिर यहां पर आप देखो, यहां पर ये कह रहा है कि इन जनरल फॉर ऑल एल, जितने भी एल है, अगर मान लीजिए कि एल के अंदर हमारे पास में एक सेट है एप्सिलॉन, और इसके अंदर भी एक सेट है एप्सिलॉन, सो इट इज इक्वल टू एल ओनली, ओके। और यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है। मान लीजिए कि एल वन इंटू एल टू है और मल्टीप्लाई सॉरी कंकेटिनेटेड विद एल थ्री है, ये इंटू नियर गाइस कंकेटिनेशन है, वो इक्वल होगा एल वन ब्रैकेट एल टू कंकेटिनेट विद एल थ्री, ठीक है। सो दिस इज एसोसिएटिव, ओके। एसोसिएटिव का यहाँ पर हम मतलब ऊपर भी समझ सकते हैं, वैसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हम उससे समझ सकते हैं, लेकिन गाइस बहुत सिंपल है, आप एक बार इसका एग्जाम्पल अपने आप से करके देखने की कोशिश करें, ठीक है। फिर अपना है आगे कि एल वन इक्वल्स टू ए एन, वहां पर जो एन है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू है जीरो से। वहीं एल टू लैंग्वेज है वो बी एन है। एन यहाँ पर ये लैंग्वेज इस तरीके से डिफाइन हो रही है, ए हो सकता है इसके अंदर, ए टू हो सकता है, ए थ्री हो सकता है, ए फोर हो सकता है, इसी तरीके से अप टू ए एन, जहां पर एन बोल रहा है कि जीरो के भी इक्वल हो सकता है। तो जब ये जीरो के इक्वल होगा तो इसके अंदर एप्सिलॉन भी आ जाएगा, ठीक है, जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है। वहीं अगर एल टू की बात की जाए तो वो भी बी की पावर समथिंग है, तो इसका मतलब मैंने बताया था आपको, ए थ्री का मतलब कुछ नहीं है, ए फोर का मतलब कुछ नहीं है, चार बार ए, दैट्स इट। सो एल टू का अगर हम यहाँ पर ले, तो एल टू का मतलब मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ यहाँ पर, तो हमारा एल टू हो गया एप्सिलॉन बी वन बी टू बी थ्री अप टू बी एन, ठीक है, ये हो गया हमारी एल टू लैंग्वेज। सो एल वन कंकेटिनेटेड विद एल टू हमें क्या देगा? ए एन बी एम। ए एन बी एम क्यों? हर बार ए एन के साथ में
हर एक एन के साथ में हम अलग अलग बी एम के साथ में जा रहे हैं। जैसे एक हम ए लेंगे तो उसके साथ में जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस है बी की सबको लेंगे। हमने ऊपर करके दिखाया ना कंकैटिनेट सिंपल, कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि हमारे पास में L1 हमारे ये है A1 A2 A3, मैं A2 तक ही ले लेता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पर L2 है, एप्सिलॉन B1 B2, ठीक है। एप्सिलॉन को भी एक बार हटा ही देता हूँ क्योंकि एप्सिलॉन कुछ नहीं, वो सेम डिजिट ही रिपीट करता है, ठीक है। तो मैं सिंपल एज जिस जितना सिंपल हो सके उतना लेकर आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। तो L1 कंकैटिनेटेड विद L2 हमें क्या रिटर्न करेगा? एक बार ये A1 है, ये इसके साथ में कंकैटिनेट होगा तो A1 B1, वहीं पे ये तुम्हारा A1 वाला B2 के साथ में होगा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, ये कॉमा है। वहीं ये एक बार इसके साथ में कंकैटिनेट होगा A2 B1, वहीं ये इसके साथ में होगा तो ये B2। तो ये आप एक तरीके से अगर सी लैंग्वेज में इसको परफॉर्म करना करवाना है हमें, तो हमारे पास में दो लूप चल रहा है। एक तो हमारा आई आई चल रहा है एन तक, और दूसरा चल रहा है जे, ऑफ कोर्स एम हो सकता है, वो हमें पता नहीं है। तो वो आई के जितने भी पहले वाले जितने भी L1 के जो एलिमेंट्स हैं वो कनकैटिनेट होंगे सभी एलिमेंट्स जो कि L2 के अंदर हैं, ठीक है। तो उनके साथ में सभी के साथ में वो एक एक करके कनकैटिनेट होंगे। तो आप देख पा रहे हो इसको, अगर हमें जनरलाइज करना है तो मैं इस तरीके से जनरलाइज कर सकता हूँ। बी एम वहां पर एन और एम है आपका, जहां पर एन और एम दोनों ही 0 से बड़े हैं। एन और एम दोनों ही 0 या 0 से बड़े हैं। अगर वो 0 भी होंगे, अगर ये दोनों 0 हो गए तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन, ठीक है। और जो कि कुछ नहीं है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग आप स्पेस बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि ये ए स्टार और बी स्टार से आए हैं। तो ए स्टार और बी स्टार कुछ नहीं है, ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनसे ए स्टार और बी स्टार इन दोनों से मिलके बनने वाली स्ट्रिंग, ठीक है। इन दोनों से मिलके बनने वाली स्ट्रिंग, तो हमें पता ही है कि इन दोनों से बन के मिलने वाली स्ट्रिंग्स जो भी होती हैं, जैसे ए बी हो गया, इन ये दोनों कुछ किसी ना किसी क्वांटिटी में उस स्ट्रिंग में होंगे ही, ठीक है। जैसे वो ऐसे हो सकता है A0 B1 A1 B1 A2 B2 up to N, ओके। सो ये हमारे पास में खत्म हो गया। अब अगला है जो कि एक नया टॉपिक है, क्लैनी स्टार ऑपरेशन। क्लैनी स्टार ऑपरेशन तो ये क्या होता है? अगर सपोज हमारे पास में हम कोई लैंग्वेज है और उसके ऊपर आपको स्टार दे दिया, तो क्या होता है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय कंकैटिनेटिंग 0 और मोर स्ट्रिंग्स फ्रॉम एल। तो कह रहा है कि एक सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स है, एक तरीके से स्ट्रिंग का सेट है, ठीक है, जो कि मतलब कंकैटिनेट हो रहा है 0 के साथ में या किसी दूसरे स्ट्रिंग के साथ में। एल से ही हम कोई दूसरी स्ट्रिंग ले रहे हैं, मतलब हमारे पास में मान लीजिए कि ये एक एल है और एल के अंदर कुछ नहीं है, ए और बी दो एलिमेंट है, ठीक है, दो स्ट्रिंग्स है हमारे पास में। या फिर मैं थोड़ा सा इसको और से मतलब रियलिस्टिक रखता हूँ, मान लीजिए कि हमारे पास में दो स्ट्रिंग है ये। अब अगर मैंने एल स्टार लगा दिया तो बेसिकली ये 0 के साथ में भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला ना मे बी कंकैटिनेटिंग विद 0, 0 के साथ में होगा, 0 कौन? तुम्हारा ये। और इसके साथ में कोई भी चीज कंकैटिनेट होती है तो खुद ही निकल के आती है, ठीक है। तो सिंपली खुद के साथ भी कंकैटिनेट हो सकता है, दूसरों के साथ भी कंकैटिनेट हो सकता है, ये देखो। और खुद खुद के साथ में, सेल्फ के साथ में भी हो सकता है, ये देखिए, सेल्फ के साथ में कंकैटिनेट होगा। तो ये जो वो है ऑपरेशन है, इससे हमें ये नया सबसेट मिल नया सेट मिलता है। सो दिस इज नथिंग कैलिन स्टार ऑपरेशन।
गैलेनिक स्टार ऑपरेशन में क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय कंकैटिनेटिंग जीरो और मोर स्ट्रिंग्स फ्रॉम एल इटसेल्फ। सो एल के अंदर जितने भी हैं उससे बनने वाले। अब देखिए, ए के ऊपर स्टार लगाने का मतलब क्या है कि हमारे पास में एक लैंग्वेज थी जिसके अंदर एक ही स्ट्रिंग थी हमारे पास में एक। सो ए स्टार ए से बनने वाले जितने भी मतलब सेट्स हैं, जैसे कि एप्सिलॉन बन सकता है, ए बन सकता है, ए ए बन सकता है, ए ए ए बन सकता है, जितने भी पॉसिबल कंडीशंस हैं सबकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज एल? एल प्लस। अब एल प्लस क्या होता है? एल प्लस कुछ नहीं है। अगर एल प्लस की बात करूं तो एल प्लस इक्वल्स टू एल नॉर्मल एल कंकेटिनेटेड विथ दिस कैलने स्टार ऑपरेशन, अज्यूमिंग एल डज नॉट हैव एप्सिलॉन। सो इस एल के अंदर एप्सिलॉन नहीं है, तो बेसिकली हम एल प्लस को बोल रहे हैं कि एल स्टार माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, दैट्स इट, कुछ नहीं, एज सिंपल एज इट इज। सो सपोज एग्जाम्पल के लिए ए स्टार हमारे पास में ये है एप्सिलॉन ए ए ए, ये हमारे पास में ए स्टार हमने कैलनी ऑपरेशन बना के बनाया है। फिर ए प्लस क्या हो जाएगा हमारा? ए कैल स्टार माइनस एप्सिलॉन हम इसके अंदर से हटा दिए, तो जो भी बचा वो अपना ए प्लस हो जाएगा। असाइनिंग मीनिंग टू द स्ट्रिंग्स ऑफ अ लैंग्वेज। फॉलोइंग कॉर्ड्स ऑफ सी जावा हैव द सेम मीनिंग। आप देख सकते हो कि जैसे कि इंट एक्स इक्वल्स टू 4 है, तो वहां पर एक्स प्लस प्लस, तो इसका मतलब होता है एक्स प्लस 4। इस सॉरी सॉरी गाइस, इसका मतलब होता है एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो चूंकि x इक्वल्स टू 4 था और अब ये हो गया है x इक्वल टू 5, वहीं इस कंडीशन में भी वो x इक्वल टू 5 हो जाएगा, लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट है और ये प्री इंक्रीमेंट है, ठीक है। और ये सेम इक्वल टू, ये सारे इक्वल सेम ही है, कुछ इनमें से डिफरेंट नहीं है, ठीक है, सब एक जैसे ही है। सो असाइनिंग असाइनिंग मीनिंग टू द स्ट्रिंग्स ऑफ अ लैंग्वेज, आप ये देख सकते हो। सो दिस इज एज सिंपल एज आप जैसे देख रहे हो। फिर अपना चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5, फाइनाइट स्टेट मशीन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली गाइस, यू हैव टू गिव मोर टाइम टू दिस चैप्टर। आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए गाइस, और गेट के अंदर भी अगर क्वेश्चन कहीं से उठते हैं तो इसी टॉपिक से उठते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी और गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। FSM, इसका शॉर्ट नेम FSM है गाइस, फाइनाइट स्टेट मशीन। फाइनाइट, इसकी जो स्टेट होती है वो फाइनाइट होती है और इसीलिए इसको फाइनाइट स्टेट मशीन बोलते हैं, ठीक है। सो अ फाइनाइट स्टेट मशीन, इसका दूसरा नाम भी है DFSM, जिसे हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन भी बोलते हैं। M इज अ क्विंटपल, क्विंटपल होता है मतलब पांच डिफरेंट जो एलिमेंट्स है उसका एक टपल है, ठीक है। सो वहां पर K है अपने पास में, सिग्मा है हमारे पास में, ये अपने पास में एक फंक्शन हो गया जो ट्रांजिशन फंक्शन हो गया, एस अपना स्टार्टिंग स्टेट हो गया, और ये हो गया सबसेट। देखते हैं एक एक करके इनके बारे में। सो के के इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। तो एक हमारे पास में कोई भी मशीन में कितने नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेट हो सकती है, इनके बारे में डिटेल में हम वापस से देखेंगे गाइस। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, एक दो तीन, ए बी और सी, हम ए से बी में जा सकते हैं। ए मान लीजिए कि हमारा जैसे ही हमने 1 दिया, ए से हम बी में चले गए, फिर बी में जैसे ही हमने 0 दिया हम इसमें आ गए, ठीक है, 1 डाला ए में वापस चले गए, और यहाँ पर 0 डाला तो हम सी में आ गए। तो ये यहाँ पर कितने नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेट है? 1 2 3,
three finite स्टेट है. सो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स इज कॉल्ड के. सो के क्या हो जाएगा आपका, ए बी और सी. ठीक है, दिस इज नथिंग फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स. देन वी हैव सिग्मा इज द इनपुट अल्फाबेट. वी नो सॉरी, ये हमारे पास में इनपुट अल्फाबेट्स होते हैं कि कौन कौन से इनपुट हम एज एन दे रहे हैं, अल्फाबेट्स हम दे रहे हैं. ठीक है, देन एस बिलोंग्स टू के इज द स्टार्टिंग स्टेट, जो कि के से ही, के इन सभी में से ही कोई ना कोई स्टार्टिंग स्टेट होती है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका कोई मतलब और कोई इनकमिंग नहीं होता है, वो कहीं और से नहीं आ रहा होता है, उसका किसी और स्टेट से इनकमिंग नहीं होता है, वो सिर्फ स्टैंड अलोन होता है. तो ये अपना एक तरीके से स्टार्टिंग स्टेट हो गई. फिर अ सबसेट ऑफ के इज द सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स, एंड जिसे ए जो है आपका वो सबसेट है के का ही सबसेट है, लेकिन ये एक्सेप्टिंग स्टेट्स होती हैं. ये इनपुट हो गया, तो एक्सेप्टिंग स्टेट्स कौन कौन से होंगे, ये सारी स्टेट्स हो गई, एक्सेप्टिंग स्टेट्स हो गई. फिर आप देख सकते हो ये साई हो गया. साई इज द ट्रांजिशन फंक्शंस, इट मैप्स फ्रॉम के टू सिग्मा. ओके, टू के, आप के टू सिग्मा आपके पास में ये है, और इसकी मदद से आप के में मैप कर रहे हो, मतलब आपकी जो डोमेन है वो के इंटू सिग्मा है. मैं आपको गाइस एक एक करके इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, और बाद में अपन इसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. तो हम के इंटू सिग्मा कर रहे हैं और ये फंक्शन है आपका. ठीक है, तो जो इसकी डोमेन है, कोडोमेन है, वो है के. ठीक है, ये इसकी कोडोमेन है. तो ये ट्रांजिशन फंक्शन है जो कि ट्रांजिट कर रहा है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदल रहा है. तो ट्रांजिशन स्टेट, स्टेट चेंज हो रही है. सो हम अब एक एक करके इसके बारे में देखते हैं. हाउ टू ड्रॉ द ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ FSM, FSM का ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाते हैं. नोटेशन यूज्ड, सो नोटेशन फॉर स्टेट्स, स्टेट का नोटेशन क्या होता है, हम एक सर्किल बनाते हैं और सर्किल में हम कोई भी नंबर मतलब स्टेट के बारे में जिक्र करते हैं कि ये ए स्टेट है, ये बी स्टेट है, ये सी स्टेट है, अलग अलग स्टेट का जिक्र करते हैं. फिर होता है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन को हम एरो से डिनोट करते हैं कि एरो जो होता है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांजिशन की जरूरत होती है. फिर होता है एक स्टार्टिंग जो स्टेट होती है, जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग स्टेट के पास में कोई और किसी स्टेट से वो ट्रांजिट नहीं कर रहा होता है, ट्रांजिशन नहीं हो रहा होता है, तो वो होता है स्टार्टिंग जो आपकी स्टेट होती है. ठीक है, तो स्टार्टिंग स्टेट का जो सिंबल है, नोटेशन है, वो कुछ इस तरीके से है. ठीक है, फिर हो गया नोटेशन फॉर एक्सेप्टिंग स्टेट, वो स्टेट जो कि एक्सेप्टिंग स्टेट होती है. तो मतलब एक तो होती है रिजेक्टिंग स्टेट और एक होती है एक्सेप्टिंग स्टेट. एक्सेप्टिंग स्टेट बोले तो उसको हम रखते हैं कंसेंट्रिक टू कंसेंट्रिक सर्किल के अंदर. ठीक है, वो इसका नोटेशन है. अब आपका हो गया फाइनाइट स्टेट मशीन FSM की एक प्रॉब्लम लेके समझते हैं गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर एक प्रॉब्लम लेके समझ लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा. ऑन एनी इनपुट इफ FSM रीचेस एनी ऑफ द स्टेट ऑफ स्टेट्स ऑफ ए दैट इज एक्सेप्टिंग स्टेट्स, देन द इनपुट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय FSM. ओके एम, तो कह रहा है कि कोई भी इनपुट है, आपने कोई भी एक इनपुट स्ट्रिंग दी, अगर FSM लास्ट में रीच कर रहा है अपनी एक्सेप्टिंग स्टेट ऑफ ए के ऊपर, जिसे हम एक्सेप्टिंग स्टेट भी बोलते हैं, तो जो वो इनपुट स्ट्रिंग हो गई वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी इस पर्टिकुलर FSM के द्वारा, फाइनाइट स्टेट मशीन के द्वारा. सो प्रॉब्लम के लिए हम ये समझ लेते हैं कि राइट है FSM टू एक्सेप्ट एल, ये एक लैंग्वेज है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए आप एक फाइनाइट स्टेट मशीन का निर्माण करें. तो हम देखते हैं, एल हो गया, लैंग्वेज क्या है कि एक स्ट्रिंग है जो कि सबसेट है आपका, किन ये दो अल्फाबेट हैं. ठीक है, इन दो अल्फाबेट के हम कॉम्बिनेशन से हमने स्ट्रिंग की वो बनाई है. ठीक है, स्ट्रिंग का एक सेट बनाया है. स्ट्रिंग के सेट में क्या है कि डब्ल्यू की प्रॉपर्टी, इस स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी जो कि सबसेट है इस
टोटल, क्योंकि ये ए बी के अंदर तो सब होगा, एप्सिलॉन भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा, ए बी, ये जितनी भी पॉसिबल जो स्ट्रिंग फॉर्मेशन है इन दोनों की मदद से, ठीक है, जो भी बन सकता है वो बनाएंगे। फिर जो लैंग्वेज है एल है वो क्या होगा कि डब्ल्यू कंटेन्स ए, डब्ल्यू के अंदर उस, ये जो डब्ल्यू है वर्ड है स्ट्रिंग है इसके अंदर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो वो कौन कौन से हो गए स्ट्रिंग्स, ए अपने आप में, ए के अंदर ए है, यस है, डबल ए के अंदर ए है, बी ए ए के अंदर है, वहीं बी 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 अप टू एन माइनस वन तक भी, और एन प्लेस पे है ए, क्या ये एक्सेप्टेड है, यस ये भी होगा, क्योंकि हमें और किसी से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, ए होना चाहिए, ठीक है। इसने एक कंडीशन दी है कि अगर ए है तो हमारा काम होगा, ए नहीं है तो नहीं होगा। अगर नॉट ऑफ दिस लैंग्वेज देखें तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस लैंग्वेज देखेंगे तो क्या होगा, जिसके अंदर ए नहीं होगा, तो सबसे पहले तो एप्सिलॉन हो गया, जिसके अंदर ए नहीं है, फिर बी 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 ट्रिपल बी चार बी अप टू एन, इसके अंदर ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। All strings in L should reaches any state, accepting state, okay? कोई भी strings जो कि L के ऊपर है वो कहाँ accepting state के ऊपर reach करनी चाहिए, ठीक है। वहीं all strings in complement L should not reach any a accepting state. एक से आप समझ लो एक्सेप्टिंग स्टेट, जितनी भी ए आए कैपिटल ए आए उसे आप एक्सेप्टिंग स्टेट बोल सकते हो, ठीक है। हाउ टू राइट अ ट्रांजिशन डायग्राम, स्टेप्स आर, उसके स्टेप्स क्या है हम ये देखेंगे, तो एक एक करके स्टेप देखेंगे फिर इसका सॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टेप है फाइंड द मिनिमम स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड, पहले तो ये देखो कि मिनिमम स्ट्रिंग्स जो एक्सेप्ट हो रही है वो फाइंड करो। दिस डिसाइड्स द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द एफएसएम, तो इसकी मदद से हम क्या डिसाइड कर पा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स को डिसाइड कर पा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स बन सकते हैं, कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट, डिफरेंट अल्फाबेट हैं, तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ पर अपने पास में हो सकती हैं, और कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके अंदर मतलब अल्फाबेट्स हो सकते हैं। सो इन द मोस्ट ऑफ केसेस, जितने मोस्ट ऑफ केसेस में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ स्टेट्स एफएसएम के अंदर होंगे। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को मैं यहाँ पर बना लेता लिख लेता हूँ, एल इक्वल टू ए ए ए बी ए बी बी बी, तो हम देख पा रहे हैं चूंकि ये ए और बी इन दोनों के सबसेट से बना हुई स्ट्रिंग है, ये कुछ नहीं है, इन दोनों के का ही तो एक तरीके से सबसेट है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ हमारे पास में अल्फाबेट्स हैं, एक तो हो गया ए और दूसरा हो गया हमारे पास में बी, सॉरी सॉरी गाइस, एक स्टेट तो हो गई हमारे पास में एक्सेप्टिंग स्टेट, जिसको हम ये कह रहे हैं कि क्यू नॉट, तो स्टार्टिंग स्टेट हो गई, और इसको बोल देते हैं क्यू वन, थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। देन टेक लॉन्गर स्ट्रिंग्स एंड मेक देम एक्सेप्टेड, एक लॉन्गर स्ट्रिंग लीजिए और उनको एक्सेप्टेड एक्सेप्ट बना लीजिए। वाइल मॉडिफाइंग द ट्रांजिशन चेक फॉर मिनिमम स्ट्रिंग्स that are not to be accepted, are really not accepted as per the transition diagram. See that each state has transitions equal to the number of alphabets present. Two transitions on the same alphabet do not go to different states. ये important point है guys. Second हो गया, ये third हो गया, ये fourth हो गया, ये fifth हो गया, जो fifth point है डिटर्मिनिस्टिक में, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर डिस्टिंग्विश करेंगे तो हमें यही पॉइंट है जो कि उन दोनों के अंदर सिमिलर नहीं मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टू ट्रांजिशन ऑन द सेम अल्फाबेट्स डू नॉट गो ऑन डिफरेंट स्टेट्स। तो एक इसी एग्जाम्पल को आगे हम देखेंगे, तो एल हमारे पास में ये है, ये एल कॉम्प्लीमेंट है, वेयर अ स्ट्रिंग फ्रॉम एल इज इनपुट, तो इनपुट हमें क्या मिलेगा,
यही तो मिलेगा, एल से जो भी स्ट्रिंग है वही एज एन इनपुट मिलेगा। इट शुड लैंड इन दी फाइनल स्टेट, तो ये हमारी फाइनल स्टेट में लैंड होनी चाहिए। वेन एवर स्ट्रिंग फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट एल इज इनपुट, इट शुड नॉट लैंड इन फाइनल स्टेट। तो ये अगर इसके अंदर से कोई स्ट्रिंग हमें एज एन इनपुट मिल रही है तो वो फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचनी चाहिए। सो इट कैन नॉट बी इन एनी अदर स्टेट। तो हम इसका एक बना लेते हैं। तो इनकमिंग ये है, अगर हमारा ए है, अगर स्टार्टिंग ही हमें ए से मिल जाता है तो हम पहुंच जाएंगे, ये हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट हो गया। अगर हम ए हमें मिलता है तो, अगर इनिशियली हमें ए मिल जाता है यहीं से तो हम इसी पे रहेंगे। अगर हमारे पास में ए, सॉरी 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 गाइस, ये हमारा स्टार्टिंग हो गया। अगर इसको बना देता हूँ मैं एक्सेप्टिंग, ठीक है, तो अगर ए है तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर अगर बी आए या ए आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सेल्फ लूप हो गया। जब तक ए नहीं आ जाता, अगर बी आता जा रहा है तो वो इस स्टेट में है। तो गाइज आप देख सकते हो कि ये एक्सेप्टिंग स्टेट है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लूँ, ए ए बी ए ए, तो जैसे ही हम इनपुट आया हम क्यू नॉट स्टेट में आए। क्यू नॉट स्टेट में आने के बाद में सबसे पहला इनपुट क्या था हमारा, ए। तो क्यू नॉट स्टेट से हम ट्रांजिशन फंक्शन की मदद से ट्रांजिट करके कौन से उस स्टेट में गए, हम क्यू वन स्टेट में चले गए। और क्यू वन स्टेट एक एक्सेप्टिंग स्टेट है। तो हम यहाँ पर पहुँचने के बाद में हमें मिला बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कम से कम एक ए होना ही चाहिए पूरी स्ट्रिंग में, तो बी मिल गया, ऑब्वियसली सेम लूप लगेगा। ए मिल गया तो सेम लूप लगेगा, वापिस ए मिल गया तो वापिस ए। तो एट लास्ट कौन सी स्टेट में हो, क्यू वन स्टेट में। तो दिस इज नथिंग, दिस इज एक्सेप्टिंग स्टेट, एक्सेप्टिंग स्टेट। ओके, वहीं इसके अंदर हम बात करें, दूसरा एग्जाम्पल लें, बी बी बी। तो हम इन एज इनपुट आए, हमारा इनपुट आया तो हम जब इनिशियली देखा, हमने पहला इनपुट हमें मिला तो हमें मिला बी। सो बी तो यहीं पे सेल्फ लूप लगेगा, हम क्यू नॉट में। फिर से सेकंड क्या था, बी, तो वापिस से सेल्फ लूप, वापिस से क्या मिला, बी, तो सेल्फ लूप। तो एट लास्ट ट्रांजिशन स्टेट क्या है इसकी, क्यू नॉट है। और क्यू नॉट क्या एक्सेप्टिंग स्टेट है, नो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। सो नॉट एक्सेप्टेड, सो क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, नॉट एक्सेप्टेड फॉर दिस लैंग्वेज, दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड, वेयर दिस इज एक्सेप्टेड स्ट्रिंग फॉर दिस लैंग्वेज। राइट अ डी एफ एस एम टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज, हमें एक डी एफ एस एम लिखना है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। सो राइट, सो सबसे पहले लैंग्वेज हम देखेंगे, लैंग्वेज क्या है। तो एक स्ट्रिंग है जो कि सबसेट है किसका, स्ट्रिंग है जो कि सबसेट है ए और बी का, बी के जितने भी कॉम्बिनेशन है उनका। तो जब यहाँ पर तुम एस्ट्रिक देख लो, तो ये मान लो कि ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, जितना भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो ये स्ट्रिंग है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। तो एक्चुअली इनका तो कॉम्बिनेशन कितना भी हो सकता है, लेकिन उसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन, वो स्ट्रिंग जिसकी लेंथ इवन नंबर होनी चाहिए, इवन नंबर लेंथ होनी चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे, अगर इसका मॉड्यूलस निकालना चाहें हम, तो दैट शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो फर्स्ट राइट स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय एल, तो हम वो स्ट्रिंग्स लिखेंगे जो कि एल के द्वारा एक्सेप्टेड हैं। तो सबसे पहले क्या एप्सिलॉन एक्सेप्टेड है, यस, कि एप्सिलॉन की क्या होती है, 0, और 0 का मॉड्यूलस 2, 0, यस ट्रू, तो उसमें है। फिर ए ए, यस, बी बी, यस, ए बी, जितने भी इवन नंबर जो लेंथ है वो सारे इसके अंदर होंगे। नॉट एप्सिलॉन इज इवन बिकॉज इट्स लेंथ इज 0 विच इज इवन। देन एल, एल नॉट क्या होगा हमारे पास में, ऑड नंबर, लेंथ ऑफ ऑड नंबर, स्ट्रिंग विच हैज लेंथ ऑफ ऑड नंबर, दैट्स इट। स्टेप टू के अंदर लिखेंगे, सिंस
Minimum strings are epsilon and aa, that is two states are required. तो हमें कितनी states required हैं? दो state required हैं. क्यों? सबसे छोटा कौन है? epsilon और aa. एक वो जो कि कुछ ना दे रहा हो, और दूसरा जब हमें aa मिल रहा हो, मतलब दो मिल रहा हो, तो दो minimum state हमें required है. Right, transition diagram. स्टेप थ्री के अंदर हम ट्रांजिशन डायग्राम बना देंगे, दैट्स इट. तो अब हम ट्रांजिशन डायग्राम देखेंगे किस तरीके से बनाते हैं. तो ये आपका, आप वन बोल दो, टू बोल दो, या किसी भी तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर दो. मैंने इसको रिप्रेजेंट किया क्यू नोट से, ठीक है. तो ये हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट है. जब हमने कुछ नहीं दिया, हमने एप्सिलॉन दिया, मतलब कुछ भी नहीं दिया, तब भी हमें पता है कि अगर कुछ भी नहीं है तो उसकी तो लेंथ होती है जीरो, और ये तो इवन है. तो ट्रांजिशन डायग्राम में इसको मैं वन या टू किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर क्यू नॉट, क्यू क्यू वन, इन सब से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. सो बेसिकली अगर मैं ए या बी जैसे ही दूंगा इसके अंदर, ये तो एक्सेप्टिंग स्टेट है. अगर मैंने इस एक्सेप्टिंग स्टेट से अगर मैंने कुछ और नंबर दिया, मान लीजिए कि मैं यहाँ एक स्ट्रिंग लेता हूँ, ए ए बी लेता हूँ, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग, दो एग्जांपल ले लेता हूँ, एक तो ए बी बी ए बी और एक ए ए बी. तो सबसे पहले इसके लिए देखता हूँ मैं. तो जैसे मैं यहाँ पर आया, क्या वो एक्सेप्टिंग स्टेट है? यस, ठीक है. पहले मैंने कुछ नहीं दिया है तो आते वो एक्सेप्टिंग स्टेट है. क्यों? क्योंकि वो एप्सिलॉन है और एम्प्टी स्ट्रिंग है वो. फिर जैसे ही मैंने ए दिया, तो या तो ए हो या तो बी हो, वो किस में चला जाना चाहिए? Q1 के अंदर, Q1 स्टेट के अंदर चला जाएगा वो. तो A देने के बाद में वो कौन सी स्टेट में चला गया? Q1 स्टेट के अंदर चला गया. अब Q1 स्टेट क्या ये एक्सेप्टिंग स्टेट है? नहीं है. फिर इस स्टेट में आने के बाद में मैंने एक और इनपुट दिया A, तो वो वापिस से कौन सी स्टेट में चला गया? वापिस से इस स्टेट में आ गया, ठीक है. फिर मैंने यहां पर आकर एक और इनपुट दिया B, तो वापिस से वो कौन सी स्टेट में आ गया? B में. सो एट लास्ट वो कौन सी स्टेट में है? Q1 स्टेट में है. क्या Q1 एक्सेप्टिंग स्टेट है? नहीं. सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड स्ट्रिंग. बाद में ये देखता हूं मैं, ए बी क्या ये एक्सेप्टेड है? तो देखते हैं. इनिशियली एप्सिलॉन एक्सेप्टिंग स्टेट, जैसे मैंने ए दिया Q1 में आया, फिर बी दिया Q0 पे गया, फिर ए दिया Q1 में, फिर बी दिया Q0 के अंदर. तो क्या ये एक्सेप्टिंग है? यस, दिस इज एक्सेप्टिंग. तो इसको बनाने का तरीका गाइस मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ. कुछ नहीं है क्योंकि हमारे पास में सबसे मिनिमम जो स्ट्रिंग थी वो दो थी, तो मिनिमम स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग हम वो बनाते हैं. तो हमारे पास में दो स्टेट होंगी, एक तो Q1, Q0 और Q1, ठीक है. हमारे पास में दो स्टेट होगी. तो एक होगी उसके अंदर एक्सेप्टिंग स्टेट. तो हमें पता है कि एम्प्टी भी एक्सेप्टिंग होता है, तो इसीलिए मैंने पहले वाली को ही एक्सेप्टिंग स्टेट में रखा, ठीक है. तो अगर मेरा ए आया, जैसे ही जीरो से अगर स्ट्रिंग की लेंथ वन ओड हुई, तो किस में चला जाएगा? नॉट एक्सेप्टिंग में चला जाएगा. जैसे ही ओड हुई, ओड किसी भी स्ट्रिंग की वजह से, लेटर की वजह से हो सकता है, ए आए या बी आए, डजेंट मैटर एट ऑल, वो उसके अंदर कंडीशन नहीं दे रखी है. वहीं अगर इस स्टेट के ऊपर अगर हमें एक और लेटर मिला, तो वो किस में बदल जाएगा? इवन में, क्योंकि ऑड प्लस वन इक्वल टू इवन, और वही इवन प्लस वन ऑड, तो अपनी वापस से स्टेट चेंज कर लेगा. डजेंट मैटर कि ए है या बी है इनपुट, तो वापस से अपनी स्टेट चेंज कर लेगा. दैट इट इज वेरी सिंपल. ओके, सो अगर इसका अपोजिट देखना है तो या आप क्या कर लो, अगर इसके लिए बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा? अगर मेरे को इसके लिए पर्टिकुलर एक्सेप्टिंग स्टेट बनाना है, अगर इसके लिए ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है, तो कुछ नहीं करना मेरे को, क्यू नॉट और Q1, Q1, that's it. So this is as simple as it is.